हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जो लोग दुबई में लेबर से पैसे लेते हैं, जो लोग एजेंट, उनको अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी वार्निंग पहली बार दी गई है यूएई पुलिस द्वारा, यूएई गवर्नमेंट द्वारा। अगर ये गलती करते हैं जो भी एजेंट, उसे जेल में भी डाला जाएगा, ह्यूज अमाउंट फाइन भी मारा जाएगा दोस्तों, और उनको बहुत बड़ी सज़ा होगी। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या वार्निंग है दोस्तों। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इस तरह का अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आपको किस तरह से निपटना है, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पहले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यही है दोस्तों कि मान ले कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऐसे टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दूंगा दुबई का, मुझे 5,000 दिरहम दो, 6,000 दिरहम दो, या जितने भी पैसे का डिमांड करते बेसिकली वर्कर से वीज़ा के लिए, वीज़ा के लिए पैसे के से जो भी, क्योंकि यहाँ पे रूल बना हुआ है। अब ऐसे जो भी एजेंट इंडिया में बैठे हुए या और कहीं पर भी बैठे हुए, वो ले लेते हैं आपसे पैसे, वो अलग बात है। बट दोस्तों, यहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए जो कंपनी, अच्छी कंपनी है, वो देती है कोई भी वर्कर को, तो 1 रुपये लेती नहीं है। और ये गवर्नमेंट का सिस्टम में भी है, लेबर लॉ में भी है कि कोई भी वर्कर अगर कोई कंपनी पैसे लेता है तो उस कंपनी के ऊपर ह्यूज अमाउंट फाइन आएगा, उस कंपनी का लाइसेंस तक भी कैंसिल किया जा सकता है अगर वर्कर लोग कंप्लेन करता है तो। इसलिए दोस्तों, यहां पे वीज़ा का पैसा लेना अनलीगल माना गया है। तो जो लोग यहां पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने मतलब वर्कर को फंसाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, उनके लिए दोस्तों लास्ट वार्निंग दी गई है। अगर ऐसे करते कोई भी अब सोशल मीडिया पर पकड़ाता है दोस्तों, तो उसे ह्यूज अमाउंट फाइन और जेल में, जैसा बताया, वो देने वाली है गवर्नमेंट। तो बिग सलूट ऐसे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि देर से आया, दुरुस्त आया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का मामला कर रहे हैं। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या कानून सही है कि नहीं, क्योंकि एजेंट लोग इतना फ्रॉड करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और आपको विजिट वीजा पे यहाँ पे बुला के, और फिर बोलते हैं कि आज कल ऐसे करके आपको दौड़ाते रहते हैं और जॉब भी नहीं देते हैं। तो उनके लिए लास्ट वार्निंग दिया गया है। तो मुझे इस खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर लिखना। कुछ जानकारी है, कुछ अपडेट है, आप नीचे ज़रूर बताओ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।